वेलकम टू श्रीजी फूड। आज हम बनाएंगे एक और गुजराती स्नैक्स की रेसिपी, सेव खमणी। ये टेस्ट में बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें खट्टा, मीठा, तीखा तीनों टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसके लिए हमें चाहिए चना दाल। ये मैंने 1 कप चना दाल को 4 घंटे पहले नॉर्मल पानी में भिगो के रखा है। ये 1/2 टीस्पून नींबू के फूल है। आप अगर नींबू के फूल ना यूज करना चाहो तो 1 नींबू का रस ऐड कर दे, लेकिन उससे टेक्सचर में और टेस्ट में थोड़ा फर्क रहेगा। और नींबू के फूल से आपको सेम मार्केट जैसा टेक्सचर और टेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप जो यूज करना चाहो वो कर सकते हैं। ये मैंने 3 कटी हुई हरी मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और इसे मिक्सर का जो दाल चावल क्रश करने के लिए हम जो मीडियम साइज का जार यूज करते हैं उसी में हम ये क्रश कर लेंगे। आपके पास अगर टाइम कम है और आपको इस रेसिपी को थोड़ा जल्दी में बनाना है तो आप पानी को गुनगुना थोड़ा गर्म कर ले और उसके बाद उसमें चना दाल भिगो के रखें, तो चना दाल 1 घंटे में रेडी हो जाएगी। तो उसके बाद आप उसे क्रश कर सकते हो। तो चलिए अब मैं इसे कैसे क्रश करना है वो मैं आपको क्रश करके दिखा देती हूँ। अब हम इसमें ये नींबू के फूल और हरी मिर्च ऐड कर देंगे और पहले इसे बिना पानी के ही क्रश करेंगे। जब ये इस तरह से थोड़ा क्रश हो जाए इसके बाद हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करके इसे दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। अब ये बहुत ही अच्छी तरह से फाइन क्रश हो चुका है, तो अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। मैंने 2 टेबलस्पून पानी यूज किया है। इसके साथ में हमें चाहिए 1/4 टीस्पून खाने का सोडा और 1/2 टीस्पून नमक। तो सबसे पहले हम नमक ऐड करके इसे मिक्स कर लेंगे और स्टीमर में पानी भी गर्म करने के लिए रख देंगे। अब इस बैटर में सोडा ऐड करके हमें एक ही साइड इसे घुमाना है और साथ में एक थाली को भी तेल से ग्रीस कर लेना है। अब हम इसे स्टीमर में रख देंगे। अब इसे 20 मिनट तक हाई फ्लेम पे स्टीम होने देंगे। 20 मिनट के बाद अब हम गैस बंद करके इसे 10 मिनट स्टैंडिंग टाइम दे देंगे। 10 मिनट के बाद मैंने अब इस थाली को बाहर निकाल लिया है। अब इसे 1 घंटे के लिए कम्प्लीटली ठंडा होने देना है। अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है तो अब हम इसके टुकड़े कर लेंगे और इसका हाथ से एकदम बारीक चूरा बना लेना है, या फिर आप इसे ग्रेट भी कर सकते हो। तो मैं इसे करके रेडी कर लेती हूँ। अब ये रेडी है तो अब हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। अब इसका तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए 1/2 टेबलस्पून राई, राई जो छोटी वाली आती है वही यूज करें, 1/2 टेबलस्पून तेल, 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च, अगर आप लहसुन खाते हो तो लहसुन भी इसके साथ ऐड कर दे, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून शुगर, थोड़े से करी पत्ते, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 टेबलस्पून जितना नींबू का रस, 1/4 कप पानी और इसे बनाने के लिए 4 टेबलस्पून ऑयल। तो मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो जाए तब हम उसमें राई ऐड कर देंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड कर देंगे। अब इसमें हरी मिर्च और करी पत्ते ऐड कर देंगे। अब पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अब इसमें तिल ऐड कर देंगे। तिल मैंने पहले से ही रोस्ट करके रखे हैं, इसलिए हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। अगर आप कच्चे ले रहे हो तो आप उसे पहले तेल में ही ऐड कर दें।
इस टाइम पे अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें, अब हमने जो शुगर यूज की थी वो कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है, तो अब हमने जो खमन का चूरा बना के रखा है वो इसमें ऐड कर देंगे। अब ये मिक्स हो चुका है तो अब हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। गैस बंद करके नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। मैंने खमणी को एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब इसके साथ गार्निशिंग और सर्विंग के लिए हमें चाहिए फ्रेश अनारदाना, थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और नायलॉन सेव। और इसमें जो सबसे छोटी वाली जो सेव आती है जिसे नायलॉन सेव बोलते हैं वही यूज करनी होती है। तो अब हम इसे गार्निश कर देंगे। तो अब हमारी सेव खमनी सर्विंग के लिए रेडी है। अगर आप इसे एडवांस में बना के रखते हो तो आप जब सर्व करें तभी नायलॉन सेव और अनारदाना ऐड करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप और कोई रेसिपी सीखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो।